तो भाई आज हम आए हैं एनएसजी क्रिकेट, जो इंडोर क्रिकेट है, और आजकल ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट के अंदर, मतलब क्रिकेट ग्राउंड्स और जो क्रिकेट एकेडमीज़ हैं उनके अलावा एक और फैसिलिटी है जहां पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं आके, वो इंडोर क्रिकेट की है। तो आज हम यहां आए हैं, ये इसमें अगर आप एड्रेस पढ़ेंगे ध्यान से तो ये सेक्टर 8 है द्वारका, और ये इंडोर क्रिकेट एनएसजी के नाम से ये निर्भय भाई का है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो निर्भय भाई हैं, निर्भय भाई इसके ऑनर हैं एनएसजी इंडोर क्रिकेट के, और ये बड़ा बिल्कुल यूनिक सा प्रोजेक्ट है जो ये यहाँ पे चला रहे हैं। इट्स सेक्टर 8 सेक्टर 8 का, और यहाँ मोस्टली इस तरह के जो इंडोर नेट्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर अगर किसी के पास एनफ स्पेस रहता है तो बनते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर वो बेसमेंट में जाते हैं, जैसे आपने कर रखा है। तो निर्भय भाई इसके बारे में बताएं, एनएसजी का आपको आइडिया कैसे आया? मतलब इससे पहले तो क्रिकेट ग्राउंड चलते थे बहुत पहले, तो लोग ऐसे ही लोकल क्रिकेट खेलते थे, पार्कों में जाके खेलते थे। जी। उसके बाद ग्राउंड्स बने, एकेडमीज बनी है, पहले तो दिल्ली में क्लब्स होते थे, क्लब्स में एंट्री बड़ी मुश्किल मिलती थी, बड़ी मुश्किल मिलती थी। और उसके बाद ग्राउंड्स बने, एकेडमीज बनी, और अब ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया है इंडोर क्रिकेट का, जहाँ पर आपके जो भी क्रिकेटर्स हैं, मतलब जो खेल रहे हैं बच्चे वो आ सकते हैं, या जो कॉर्पोरेट क्रिकेटर्स हैं वो भी आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको आइडिया पिच कहाँ से हुआ और ये आपने शुरू कैसे किया, वो थोड़ा सा आप बताएंगे? तो सर, मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं एक्चुअली दिल्ली का प्लेयर रह चुका हूँ 2010 से। मैंने अंडर 19 कैंप और रणजी ट्रॉफी कैंप भी अटेंड कर रखा है, और मैं काफ़ी अंदर तक दिल्ली क्रिकेट खेला हूँ, क्लब क्रिकेट, DDCA लीग, हॉट वेदर टूर्नामेंट, साहिबजादा रीचिंग टूर्नामेंट, टेलीफंकन क्लब का मैं मेन मेंबर रहा था, मेन टीम का पार्ट रहा था, और मैं शिखर धवन वगैरह के साथ भी क्लब टीम से खेलता था। हाँ, तो सर ऐसा था, अगर मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था, क्लब तो एक कन्वेंशनल तरीका हो गया प्रैक्टिस के लिए जाना, क्लब्स में एंट्री नहीं मिलती थी, क्लब्स में एंट्री नहीं मिलती थी, क्लब्स के लिए ट्रायल देनी पड़ती थी, आप फिर खड़े रहो पीछे नेट्स में, खड़े रहो, देखो अभी भी याद है आपको, महीना महीना दो दो महीना नेट्स में पीछे, नेट्स में आप खड़े रहो। जी बिल्कुल। तो हमने भी सर ऐसे देखा। फिर मैं सर द्वारका में रहता था, 2002 से ही रह रहा हूँ, तो हमें जाना पड़ता था मालवीय नगर और दूर जाना पड़ता था। तो सर मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि द्वारका के लोगों के लिए क्यों ऐसा कुछ ना एक कम्युनिटी ना बनाई जाए, ऐसा कोई एक सेटअप दिया जाए जहाँ पे सारे प्लेयर्स इररिस्पेक्टिव कि वो किस लेवल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो कि एक बडिंग क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, चाहे वो फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हों, रणजी प्लेयर्स हों, हमारे पास रणजी प्लेयर्स भी आते हैं, एक आध इंडिया प्लेयर भी खेल के गए हैं। हमने कॉन्सेप्ट इसका इस तरीके से रखा है कि हम इसको ऐसे नहीं करते कि यहाँ पे कोई आके ना खेल पाए, हमने जो एक प्रोसेस बनाया है वो इस तरीके का है कि हर बंदा आके यहाँ पे खेल के ईजीली चला जाता है। फिर इसी के साथ अब हमारे पास लगभग 100 से ऊपर मेंबर्स 1.25 साल के आसपास एनएसजी को हुए और हो गए हैं। हमारी मेंबरशिप इस तरीके से रहती है कि बड़ी फ्लेक्सिबल हैं, आप चाहे तो पर डे आके भी खेल लो 30 दिन, चाहे आप ओवर्स ले लो, और वो प्राइसिंग है, आप एक बार बता दो तो प्राइसिंग जल्दी। प्राइसिंग सर, कोई आना भी चाहे तो आए। प्राइसिंग सर ऐसा है कि 10 ओवर्स की जो मेंबरशिप है हमारी, पर डे 10 ओवर्स हम 3500 रुपीज में और 30 डेज दे देते हैं, और एक हमारी मेंबरशिप है सर जो कि ओवर्स की मेंबरशिप होती है, वो हम 300 ओवर्स देते हैं, और वो कभी तक भी आप उसको यूटिलाइज कर लो, अनलिमिटेड टाइमिंग, वो सर 6000 रुपीज़ की है, उसमें हम डिस्काउंट देते हैं। तो इस तरीके से हमारी मेंबरशिप्स है, और वॉक इन कोई भी आके 10 AM से 10 PM लोगों के लिए खुला रहता है 7 डेज, कोई भी आके खेल सकता है, 5 ओवर 10 ओवर जो भी खेलना चाहता है वो अपना आके खेल के अपना जा सकता है।
दूसरा सर हमने एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे ये दिया है कि हमारा एक सेटअप प्रैक्टिस का तो है ही है, बट लोग चाहते हैं कि भाई हम मैचेस खेलें, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, टीम स्पोर्ट है। तो हमने सर साथ ही साथ अपना इसको खोलने के 1.5-2 महीने बाद एक हमने अपनी टीम भी इनॉग्रेट करी थी NSG क्रिकेट के नाम से। हम सर वीकेंड्स पे मैचेस खेलते हैं और दिल्ली NCR और ऑल ओवर द गुड़गांव। अब हमारा एक अच्छा 50-60 मैचेस का एक्सपीरियंस हो गया है और काफ़ी एक हम अपनी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल टीम भी चला रहे हैं। तो अच्छा, मैंने देखा है कि मैं जब लास्ट टाइम आया था आपके पास बरसात के टाइम पे, तो तब एक दिल्ली प्लेयर थी, शायद लड़की अच्छी थी, वो छोटी प्रतिका रावल। हाँ, नहीं वो तो सीनियर है, मतलब एक बच्ची भी आई थी उससे पहले, एक बच्ची भी आ रखी थी जिसके फादर लेके आए थे। तो वो मुंडका से उस साइड से लेकर आए थे यहाँ पे, तो इतनी दूर से, क्योंकि आप द्वारका में और वहाँ से 20-22 किलोमीटर ट्रैवल करके इधर आना, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो करने को दे रहे हैं, कुछ चीज है यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं। और आपका एक ही ये सेटअप है जो नेट का सेट है, उसके बाद भी उसके बावजूद भी लोग आते हैं, वेट करते हैं, वेट करने के बाद फिर उनका नंबर खेलते हैं। सो व्हाट इज योर स्पेशलिटी? हाँ जी सर, स्पेशलिटी ये है कि एक तो हमने जो क्रिकेट का जो पार्ट है खेलने का, वो काफी अच्छा बना रखा है। प्लेयर्स को वो एक लगता है कि हाँ हमें कुछ एडवांटेज है प्रैक्टिस करने का यहाँ पे। एस्ट्रो टर्फ बहुत अच्छा है सर, एस्ट्रो टर्फ हमने 10 mm लगाया है, जो कि एक बिल्कुल पिच की तरह रिएक्ट करता है, कि अब बॉल जो पड़ती है वो ऐसा नहीं है कि वो सीधी सीधी एक मैट की तरह बॉल आ रही है, बॉल रिएक्ट्स लाइक लेदर बॉल, जैसे मैच के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। मशीन से हम देख रहे थे अभी मशीन को, जी सर, उससे आप जैसे बता रहे हो कि बिल्कुल एक्चुअली रिएक्ट करती है बॉल। हाँ, अगर ऑफ ब्रेक डाल रहे हो तो ऑफ ब्रेक होगी, प्रॉपर घूमेगी, उतना घूमेगी जितना आप घुमाओगे, बिल्कुल। और स्विंग जो है वो स्विंग है सर, काटा बदलती है, सर ये एक्चुअली सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें 4 मोड्स हैं हमारे पास। जिसको सीधा सीधा खेलना है वो सीधा सीधा भी खेल सकता है, इन स्विंग आउट स्विंग भी है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन भी है। स्पीड हमारी मशीन 160 तक जाती है, हमने वहाँ पे लिखा हुआ 150 है, बट हमारी मशीन की स्पीड अगर हम सेटिंग करें तो 160 तक वी कैन प्लेयर्स कैन प्ले। और जैसे आपने सर अभी मेरे से पूछा कि ऐसा क्या है कि लोग इतना वेट करते हैं, सर एनवायरनमेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया जो एक प्रोसेस हमने बना रखा है, वो प्रोसेस इतना स्मूथ बना रखा है कि लोगों को यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगता कि हमें बैटिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जैसे ये भाई साहब भी खेल रहे थे अंदर, हाँ जी, तो वो उनको मान लिया ऐसे लोग हैं जिनको ये लगे कि यार मैं कहाँ जाऊँ, वो कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलना चाहता है, अंदर तो क्रिकेट मस्ती होती है ना, तो वो सोचता है कि यार मैं कहीं जाके वो सर किसी टीम में एंट्री मिल जाए, वो सर कहते हैं कि आप खेलने लग जाऊँ, है ना, आसपास काफी सारे ग्राउंड्स हैं, तो उनके लिए आपके पास ये चांस है कि यहाँ पे आके मेंबरशिप लो, बिल्कुल बिल्कुल टीम में आप फिर, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप फिर फ्रिक्वेंटली कितने वीकेंड्स पे मैच खेलते हैं? वीकेंड्स पे मैचेस खेलते हैं सर, और सैटरडे संडे ही खेलते हैं, बिकॉज जो हमारी जो टीम है वो कंसिस्ट करती है लॉयर्स, डॉक्टर्स और CAs भी हैं हमारी टीम में, तो वो लोग मंडे टू फ्राइडे कन्वेंशनल वर्क करते हैं, तो इसलिए हम वो कन्वेंशनल नहीं खेल पाते मंडे टू फ्राइडे, इसलिए हमारी वीकेंड टीम ही है, तो इसलिए सर हम वीकेंड्स पे खेलते हैं। और हमारा लगभग अभी 57-58 मैचेस हो चुके हैं, और हम एक एंगेजमेंट के तौर पे एक इंटर NSG भी कराते हैं, 2 करा चुके हैं अभी तक, उसमें 2 टीमें रहती हैं हमारे मेंबर्स की, NSG रेड और NSG ब्लू। अरे भाई इतने प्लेयर हो जाएं तो एक इंटर NSG टूर्नामेंट ही करा दो, एक वो भी सर है माइंड में, वो भी कराएंगे कभी, जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करेगी हम सीरीज करा दो टीमों की। हाँ जी हाँ, दो टीमें मिला के तो 3 मैचों की सीरीज हो जाएगी। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। तो इसके अलावा वॉशरूम वगैरह प्रॉपर फैसिलिटी? वॉशरूम सर प्रॉपर है, शावर की भी आप? शावर की एक अभी है नहीं सर, पर आगे हमने प्लान बनाया है, क्योंकि एक्चुअली प्लेयर्स बहुत सारे करते हैं कि खेलने का। बिल्कुल सर बिल्कुल, हमने सर एक आइडिया ये भी हमारे माइंड में है कि हम एक स्पा की भी फैसिलिटी देना आने वाले टाइम पे, जैसे प्लेयर्स खेलते हैं तो वो उसको ले, उसके बाद लें, पहले लें, जो भी है, बॉडी भी रिलैक्स हो जाए, बॉडी भी रिलैक्स हो जाए। अभी सर फैसिलिटी AC है, AC हम क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, वाटर कूलर सब कुछ है सर, सारी फैसिलिटीज है, लाउंज की तरह अभी हम चलाएंगे,
ये बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीत रखी हैं, ये भाई की अपनी ट्रॉफीज सर, ये मैं जो खेलता हूँ जैसे मैंने बताया हैं। मेरी ही ट्रॉफीज है सारी, हाँ तो मैं अपनी उस टीम को लीड करता हूँ, आई एम द कैप्टन ऑफ दैट टीम। और जैसे कि सारे टूर्नामेंट्स में ट्रॉफीज मिलती ही हैं, तो ये मेरी उन्हीं उन्हीं ट्रॉफीज की, वही टूर्नामेंट्स की ट्रॉफीज हैं। बहुत बढ़िया। और अगर यहाँ पे हमने देखा कि टीवी भी लगा हुआ है, तो टीवी पे अगर कोई आ रहा है और मैच चल रहा है क्रिकेट का, यहाँ पे तो सर आप ही और शी कैन एंजॉय। एनीबडी हु एवर कम्स हियर दे कैन एंजॉय एंड हैव फुल फन। फैंटास्टिक। हम मैचेस के भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखते हैं। T20 50 ओवर वर्ल्ड कप जब हुआ था, मैं यहाँ पे इंडिया हाँ मैंने देखा पाकिस्तान था, की। मैसेज आ रहे हाँ थे जी कि आप डिस्काउंट देते हैं कि भैया आप हाँ जी डिस्काउंट को बिल्कुल भी बिल्कुल, आप लो और फिर आके मैच भी देखो, मैचेस भी देखो। फूड का भी इंतजाम कर लो फिर। फूड का इंतज़ाम सर करेंगे, प्लान है। और अभी जब गर्मी आएगी तो यहाँ पे फिर हम एक फ्रिज का इंतज़ाम करेंगे जिसमें आपको बेवरेजेस मिलेंगे प्लेयर्स को। दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ तो हाँ फिर मन लगेगा लोगों फिर को। मन लगेगा, वो जो खेलेंगे लोग, जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं। अच्छा, जो प्लेयर जैसे कोई आपके पास खेलने आना चाहता है और उसके पास सामान नहीं है, तो हाँ हमने जी देखा कि उधर काफ़ी सारा सामान भी रखा हुआ है ना। हाँ सर, वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, पैड्स, ग्लव्स, बैट्स, सब कुछ है। शूज पहन के आ जाए वो। बस शूज भी ना पहन के आए सर, मना तो हाँ नहीं, पहन के आते तो डेकोरम अच्छा लगता है, बाकी तो सर खेलते ही हैं। और वो सर चार्ज पे इंक्लूडेड है, हम अलग चार्ज नहीं करते उन स्टफ करेक्ट, का, अलग से कोई चार्ज नहीं होता नहीं उसका, सर, वो हमारा एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आर चार्ज। जो आपके प्राइसेस हैं। बिल्कुल ओह सर, बिल्कुल ठीक है, तो हम इसकी जो प्राइसिंग है वो वीडियो में दिखा देंगे हम, बिल्कुल सर, और बिल्कुल लोगों को बताएंगे कि अगर वो इस तरफ हैं और आना चाहते हैं तो एनर्जी एंजॉय करें आके। जी सर। हाँ और अगर मैचेस भी खेलना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके हमारे करेक्ट, हम मैचेस भी डिस्क्रिप्शन में खेलना। डाल देंगे आपका हाँ नंबर, डाल देना सर। तो वो डायरेक्ट मेरे भाई को कॉल करके और यहाँ से बिल्कुल ऐसे सर, आके कनेक्ट हो सकता है। ये ट्रॉफी बिल्कुल। जीती है आपने मुझे लगता है। ये सर अभी मेरे को, मैंने अभी एक हमारा इंटर एनर्जी टू हुआ था जिसमें टीम रेड वर्सेस टीम ब्लू मैच एक था हमारा बॉल पार्क गुड़गांव इट्स अ में, प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द ईयर सर। ओह सॉरी, प्लेयर ऑफ द तो मैच। मैंने सर कुछ 56 मैचेस में मैंने कुछ 2000 के आसपास रन्स किए थे और 56 विकेट्स थे। तो ये उसके, मैं वैसे हम काफ़ी अच्छे से हमने वो किया था इवेंट, और उसमें जो बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं थी, बिल्कुल हमने देख के कि किसका क्या बनता है, बट वो लकीली मैं इस साल ऊपर था टॉप ऑफ द ठीक है, वो तो टेबल। प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन है हाँ जी उसमें हाँ क्या है, जी हाँ दैट इज जी, फैंटास्टिक। 8-9 के आसपास सर हमने अवार्ड्स भी दिए थे उसमें प्लेयर्स को। तो निर्भय भाई खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं, बहुत बढ़िया निर्भय भाई, और थैंक यू सर, आप ऐसे ही काम करते रहो, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच। सर। कुंदन जी हैं जो प्रोफेशन इनका सीए है बाय प्रोफेशन, जी और जी क्रिकेट खेलते हैं, देखिए पैड वैड करके बैठे हुए हैं बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करके यस यस, अभी एक राउंड और करना है। एक राउंड और करना है। हाँ एक राउंड और करना है। हाँ तो कुंदन जी आपको मतलब इसके बारे में पता चला तब आप आके आपने ज्वाइन किया नेहरू के साथ हाँ आगे। मैं एक्चुअली, मेरे अंदर भी क्रिकेट का कीड़ा है एक्चुअली। बाय प्रोफेशन तो सीए हूँ, लेकिन बाय चांस आई थिंक कर नहीं पाया अर्ली एज में। तो मैं पहले रहता हूँ द्वारका सेक्टर 12 में, तो पहले मैं जाता था नोएडा खेलने के लिए, क्योंकि मेरे टीम्स ग्रुप्स वहीं थे और मैं वहीं से, उधर से ही नोएडा से ही आया था। तो मुझे 1.5 घंटे जर्नी करने पड़ते थे वहाँ जाने के लिए। फिर मुझे लास्ट ईयर पता चला इनके बारे में, तो इनको मैंने कॉल किया, तो यहाँ पता चला कि प्रैक्टिस भी होता है और ये मैच भी करवाते हैं वीकेंड में। तो मैं लास्ट ईयर इनके टीम में जुड़ा और रेगुलरली खेल रहा हूँ जब टाइम मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होते हैं, मेरी ट्रैवलिंग होती है तो मैं खेल नहीं पाता हूँ, लेकिन यदि मैं ओवरऑल 12 मंथ्स की बात करूँ तो कम से कम आई थिंक मैंने 20-25 मैचेस तो मैंने खेले हैं। हेल्थ तो अच्छी रहती है ना, हाँ मतलब हेल्थ अच्छी ये रहती है। घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब आदमी सेटल होता है ना तो ये हाँ सोचता है कि यार चलो ठीक है कम से कम कुछ देर तो घर से बाहर निकल घर जाए, घर से है बाहर ना। निकल जाए। और मुझे भी लगता है कि इस बहाने थोड़ा सा मेरा जो है ना बॉडी का डिटॉक्स ये सब निकल जाए, बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो निकल जाए, और माइंड इस बहाने वो क्लाइंट आप और अगर नंबर्स मैच खेलने जाते हो तो 3 घंटे आप अपने लिए जीते हो अपने लिए जीता हूँ। और हाँ विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक यस यस, डिवाइस। और एक अच्छा लगता है। और जुड़ा तो यहाँ अब कंटिन्यू हो गया, और यहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं ये प्रैक्टिस का, जो कभी नहीं मिलता था। जैसे मैं नोएडा भी जाता था तो इनफैक्ट जाता था, कोई प्रैक्टिस का कोई सेशन नहीं कुछ नहीं, स्टार्टिंग मैच कर लेता था। यहाँ आएगी अपना प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर मैच खेल लो। सही बात है।
तो ये सारी चीज़ें। मैंने दो बार भी प्रैक्टिस हो गया। हाँ, दो बार एवरेज दो बार ही हो पाती है, रहता हूँ तो दो बार तीन बार तो आता ही हूँ, नहीं तो कभी कभी नहीं भी रहता हूँ, ट्रैवलिंग होती है तो नहीं आ पाता हूँ। बाकी थैंक यू कुंदन जी। चलो ओके, थैंक यू। तो यहाँ भाई सामान भी रखा रहता है, देखिए दो हेलमेट ऊपर रखे हुए हैं, उसके बाद ये थाई गार्ड है और बैटिंग ग्लव्स हैं, और नीचे आप बैट देख सकते हैं जो इनके अपने ब्रांड इन्होंने लगाया हुआ है एनएसजी का, और भी बहुत सारे ग्लव्स रखे हुए हैं। नीचे बिल्कुल नीचे जो है पैड्स रखे हुए हैं, ये ब्लू कलर के हैं और दूसरे ब्लू कलर के वाइट भी हैं। तो ये सामान है, मतलब अगर किसी के पास सामान नहीं है और खेलना चाहता है तो वो आराम से यहाँ पर आए, सामान उसको यहाँ पर अवेलेबल होगा। Thank you.